यस बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन का मतलब क्या है कि हमने किसी इंटीजर को किसी से डिवाइड करना है, और जो हमारा डिवीजन पार्ट होता है वो किसका रिवर्स पार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 × 4 कितना होता है 12, अगर 12 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 3, 12 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 4। तो जो दो फैक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास सेम साइन आ जाए, साइन हमने वैसे पढ़े हैं अब तक तो आपको लर्न हो गए होंगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। दीज आर द रूल्स फॉर इंटीजर्स, हो चाहे कोई भी सम हो, तो यही रूल्स हमेशा लगने हैं जब भी कभी भी ऐसे साइन आए। अब देखो, अंडर सेम साइन, सेम साइन का मतलब या तो दोनों साइन पॉजिटिव या दोनों साइन नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइंस के लिए एग्जांपल देखो, 32/8, इनको लिखना कैसे है, जो टर्म फर्स्ट नंबर पे लिखी है उसको हमने न्यूमिनेटर में लिखी है। न्यूमिनेटर मतलब जो हमारा अबव पार्ट है, इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और जो ये वाली टर्म है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हमारा एन है विच इज 32, डिवाइड का मतलब इसको ओवर बोलते हैं, जो ये लाइन होती है इसको ओवर, और डिवाइडेड बाय 8। अब जब आप 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो टेबल तो आते ही है, डिवाइड करने का वे आउट क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाय 32, 8 के टेबल में 32 कब आता है, 4 पे, तो 8 4 का कितना हो गया 32, तो ये कितना आ गया 4 1। कभी भी किसी टर्म को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वो सेम आएगा जो टर्म आपके पास गिवन है। जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं ना, तो वैसे ही डिवाइड में 4 ओवर 1 कितना हो गया 4। 22 डिवाइडेड बाय 11, सेम साइंस है, दोनों कितने साइन है, प्लस के साइन है, सो 22 डिवाइडेड बाय 11। अब जब आप 22 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 का टेबल अपने माइंड में बोलो, 11 वन सा 11, 11 टू द 22, सो 11 टू 22, 2 ओवर 1, 2 ओवर 1 डिनोमिनेटर कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखो, अगर दो साइन नेगेटिव आ गए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा है ना कि अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन शुड बी पॉजिटिव आएगा, सेम हियर, माइनस 32 डिवाइडेड बाय माइनस 8, माइनस 32 एज इट इज, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन ओवर, और यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 8, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस के साथ माइनस तो कैंसिल हो गया, 32 ओवर 8 कितना हो गया 4 ओवर 1, तो आंसर कितना आया 4। जब माइनस 22 को माइनस 11 से जैसे डिवाइड करोगे, माइनस 22 डिवाइडेड बाय माइनस 11, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 11 के साथ 22 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 2 ओवर 1, तो 2 ओवर 1 कितना हो गया 2। अब हम करेंगे इसके आगे सम अंडर ऑपोजिट साइन, एक साइन पॉजिटिव और दूसरा साइन नेगेटिव। यस राजन, नेक्स्ट देखो ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन मीन्स वन साइन पॉजिटिव वन साइन नेगेटिव, कोई भी साइन पॉजिटिव आ सकता है और कोई भी नेगेटिव साइन आ सकता है। जैसे माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 इज पॉजिटिव, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 के टेबल में 32 कब आता है 4, तो माइनस 4 ओवर 1, 4 को अगर 1 से डिवाइड करो, हमने अभी पीछे सम पढ़े, किसी को अगर 1 से डिवाइड करो तो न्यूमिनेटर ही आंसर आता है हमारा, तो ये कितना हो गया माइनस 4। आगे देखो 32 डिवाइडेड बाय माइनस 8, सेम ऐसे ही है, बस माइनस किसके साथ है 8 के साथ, तो 4 ओवर माइनस 1, 4 ओवर माइनस 1 का मतलब माइनस 4 ही है, चाहे 1 के साथ लिख दो माइनस, चाहे यहाँ पे लिख दो, आंसर सेम ही होता है जी, माइनस 4 ओवर 1 हो चाहे 4 ओवर माइनस 1, तो आंसर इज नेगेटिव। ये आपने याद रखना, ये बेटा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी कि अगर ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लिखा है तो माइनस लिखने के साथ, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, अगर दो साइन नेगेटिव आ रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव, अगर एक साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। याद रखो नंबर ऑफ ओड टर्म्स और नंबर ऑफ इवन टर्म्स। थर्ड एग्जांपल देखो, माइनस 22 डिवाइडेड बाय 11, माइनस 22 डिवाइड का मतलब ओवर,
यहाँ पे 11 क्या है हमारा डिनोमिनेटर, 11 टू 22, तो कितना हो गया -2/1, तो आंसर कितना आया -2। नेक्स्ट इज 22 डिवाइडेड बाय -11। मैंने सेम एग्जांपल्स इसलिए लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बड़ी टर्म के साथ तो माइनस साइन नहीं लिखना हमने, ठीक है। ये सेम एज इट इज है, 22 डिवाइडेड बाय -11, इसका आंसर कितना आया 2/-1। 2/-1 का मतलब -2। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ सम्स करते हैं जिससे आपकी इसकी रिविजन भी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे 0 को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0, और 0 को कभी किसी टर्म के साथ डिवाइड करो आंसर क्या आता है 0। बस एक बात याद रखना कि आपका जो 0 है वो न्यूमिरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे जस्ट 0/17 है, ठीक है, इसका आंसर तो आपने 0 लिख दिया। इन केस 17/0 आएगा तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। 0 कहाँ पे होना चाहिए? न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर 0 डिनोमिनेटर में है इसका आंसर होता है इन्फिनिटी, क्लियर है। 0 कहाँ पे होना चाहिए? न्यूमिनेटर में। 0 को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होता है 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, -7/1। अभी हमने सम्स किए, डिवाइड का मतलब ओवर, -7/1 कितना हो गया -7। थर्ड देखो, -1/331/-11। देखो माइनस के साइन कितने हैं, 2 साइन्स हैं, तो आंसर क्या आना है पॉजिटिव, मींस माइनस माइनस कैंसिल, और इसको 11 से डिवाइड करो कितना आ गया 121। तो 121 ओवर कितना हो गया 121। थर्ड देखो, -65/(1). अब देखो आंसर हमें गिवन है, यहाँ पे क्या लिखा है -65, तो देखो -65 को किसके साथ डिवाइड करें आंसर कितना है 1 है, तो 65 को 65 से डिवाइड करोगे आंसर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दिया और यहाँ पे आंसर क्या चाहिए पॉजिटिव। जैसे आप करते हो -65 तो गिवन है, आपने 65 से डिवाइड किया आंसर तो -1 आ रहा है, हमें क्या चाहिए +1, तो क्या करोगे -65/-65, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 65 के साथ 65 कैंसिल, आंसर कितना आया 1, विच मीन्स आपका कॉलम के अंदर कितना आएगा -65। ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको रफ काम में सॉल्व करो, फिर चेक करो आपकी राइट साइड आ रही है, क्योंकि इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स हमारी इक्वेट हो रही है, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 1, ये तो राइट साइड ही है हमारी। नेक्स्ट देखो, 17/-1, यहाँ पे क्या है ब्लैंक कॉलम, विच मीन्स 17/-1 हमने किया था ना, जब हमने डिवीजन स्टार्ट की है कि माइनस चाहे न्यूमिनेटर में दिया हो चाहे डिनोमिनेटर में, अगर सिंगल है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आया -17। तो बेटा क्लियर है, देखो डिवीजन भी हमने कर ली है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम करेंगे पावर ऑफ सीरीज, कि अगर माइनस कितने टाइम्स दी हुई है उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, नोटेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको डिवीजन में कोई भी कंफ्यूजन है तो रजी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।